हेलो ऑप्शन ट्रेडर, वेलकम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो सीरीज ऑफ बैंक निफ्टी एंड निफ्टी प्रेडिक्शन फॉर टुमारो। 16 अगस्त के लिए हम यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के चार्ट व्यू को भी और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है और क्या एक्सपेक्टेशन हमारी हो सकती है कल के ट्रेडिंग सेटअप में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब लोग को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे पूरी यूडी ट्रेंड की टीम की ओर से। और जैसा कि मैंने इंट्राडे सीरीज की वीडियोज में बताया था, एक आज़ाद ट्रेडर की तरह आप अच्छी प्रॉफिट लेते चले, आगे बढ़ते चले, यही हमारी दुआ है ऊपर वाले से। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप भी देखना चाहते हो कल के प्रेडिक्शन कॉन्सेप्ट को। चलिए बढ़ेंगे सीधे निफ्टी 50 के चार्ट पे और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ट्रेंड व्यू एक्चुअली देखने को मिल रहा है और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेटअप में। तो जैसा गाइस आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, यहां पे निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने ओपन कर दिया गया है। यहां पे एक कंसोलिडेशन व्यू के लिए हमने ड्रॉ किया है एक येलो कलर का बैकग्राउंड के साथ, जिसको आप देख पा रहे होंगे। एक ब्लू कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन है, दो लाइन है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। इसको आप लेके चल सकते हैं सपोर्ट लेवल एंड रेसिस्टेंट लेवल, जैसा कि मैंने कई वीडियो में आपके सामने ये चीज़ें रखी हैं। गाइस एक बहुत अच्छे बुल ट्रेंड के बाद यहाँ पे ये जो था ये पर्टिकुलर रही है, ये हमारा एक रेसिस्टेंट था, जैसे कि प्रीवियस सेशन में हमने आपके साथ शेयर किया था। यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होता है 4th अगस्त को और फिर कंटिन्यूस इंडेक्स जो है वो इस पर्टिकुलर जोन में ट्रेड होते हुए नजर आता है। गाइस सेम सीन हमें देखने को मिल रहा है 13th जुलाई के ट्रेडिंग सेटअप में। गैप अप ओपनिंग होता है एक नए ट्रेंड के साथ जो है वो निफ्टी हमें नजर आता है, सीधा जाता है 16,530 के आसपास, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव व्यू है इंडियन मार्केट के लिए और ये एक्सपेक्टेड नहीं था। कई ऐसे ट्रेडर भी है जो इन कॉन्सेप्ट को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और वो चीज़ें हो रही है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मार्केट कंप्लीट बुलिश व्यू है, मैंने इंट्राडे सेटअप की वीडियो में आपको बताया। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर दोनों जो है वो अभी बाइंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। रीजन है सिर्फ एक ही, लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ पैसा लगाया जा रहा है। गाइस निफ्टी इतनी जल्दी नहीं गिरेगा, डोंट एक्सपेक्ट दैट। स्मॉल करेक्शन जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम ट्रेंड व्यू की बात करें तो गाइस इस पर्टिकुलर एरिया को एज अ सपोर्ट कंसीडर करना है कल के ट्रेडिंग सेटअप के लिए। अगर मान लीजिए कल गैप डाउन ओपनिंग होता है तो इस पर्टिकुलर सपोर्ट से रिवर्सल ट्रेंड होने के चांसेस पूरे पूरे होंगे। गैप अप ओपनिंग होता है तब भी हमें सीधा पीई की ओर बढ़ना है, ना कि सीई की ओर, क्योंकि इतना ऊपर जाने के बाद जरूर एक स्मॉल करेक्शन हमें जो है वो एक्सपेक्टेड लग रहा है। स्मॉल करेक्शन की यहाँ बात की जा रही है, ना कि बड़े करेक्शन की। तो मेक श्योर कि पीई में काम करो, तो एज ए इंट्राडे करिएगा, डिलीवरी यानी कि होल्डिंग के साथ ऑप्शन में मत जाइएगा। ये स्पेशली मैं निफ्टी 50 के लिए आपको बता रहा हूँ। साथ ही बता दूं गाइस, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रेंड व्यू ऐसा है नहीं जिसको हम कंसिडर कर सके नेक्स्ट ट्रेडिंग सेटअप के लिए। आप देख सकते हो एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो स्ट्रेट ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिल रही है, ना ही यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे कोई हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। इसलिए हमने यहाँ पे प्रीवियस सेशन के सपोर्ट को कंसीडर किया है और इस बेसिस पे आपको समझाने की कोशिश की है। सीधे बढ़ेंगे बैंक निफ्टी के व्यू की ओर, देखेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट हमें क्या कुछ बता रहा है और क्या एक्सपेक्टेशन है वहाँ पे। तो जैसा गाइस आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे बैंक निफ्टी आपके सामने लगा दिया गया है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि प्रीवियस सेशन से हमने कुछ लाइंस ड्रॉ की हैं आपको एक ट्रेंड समझाने के लिए, जिसमें आप देख सकते हो रेसिस्टेंट लेवल एंड सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया हुआ है। और अगर ट्रेंड व्यू की बात करूँ तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो कि डाउन ट्रेंड की साइट हमें देखने को मिल रहा है, तकरीबन 34,300 और 400 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहाँ पे जाने में समय लगेगा, इतना जल्दी नहीं जा सकता है, लेकिन इसको ड्रॉ करने का रीज़न एक है गाइस। अगस्त मंथ की स्टार्टिंग से अगर आप देखें एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें कंटिन्यू, हमें देखने को मिल रहा है कि बैंक निफ्टी बुलिश व्यू में है। डेफिनेटली स्मॉल करेक्शन हमें देखने को मिले हैं, लेकिन एक बुलिश व्यू कंटिन्यू होते हुए नजर आ रहा है। हमें क्या फोकस करना है कल के ट्रेडिंग सेटअप में उसके बारे में जान लेते हैं। इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक डाउन करता है बैंक निफ्टी, वो भी स्लोली, ना कि गैप डाउन और गैप अप कॉन्सेप्ट के साथ, आप समझिए इस बात को। मार्केट ओपन होता है यहाँ पे, फिर धीरे धीरे इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करता है, तो आपको पीई की ओर बढ़ना है, अदरवाइज आपका फोकस जो है वो सीई पे होना चाहिए। साथ ही बता दूं अगर गैप अप हो जाता है तो सीधा आप पीई पे फोकस कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया एक नेचर है इसका, ऑप्शन सीरीज का एक नेचर होता है। गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होता है बड़े तादाद में तो पीई और सीई में तुरंत अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट देखने को मिलती है, तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर आप चल सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करता है तो डेफिनेटली आप जो है वो पीई पे फोकस कर पाएंगे। अगर स्लोली स्लोली ऊपर की ओर बढ़ता है तो फिर आप सीई पे जाएंगे, अदरवाइज सीई कल अवॉइड करना है, स्पेशली इन बैंक निफ्टी पीई पे फोकस ज़्यादा रखना है। रीज़न एक ही है कि यहाँ पे हमें जो ट्रेंड लाइन और यहाँ पे जो टेक्निकल कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहे हैं वो पीई पे ज़्यादा भरोसा दिला रहे हैं हमारे ट्रेडिंग सेटअप के लिए। तो कल के ट्रेडिंग सेटअप में आप इन कॉन्सेप्ट को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अगर समझ में नहीं आया कॉन्सेप्ट, थोड़ा बैक जाइए वीडियो में, वापस देखिए, आप ज़रूर समझ जाइए। करना क्या है, सिंपली बैंक निफ्टी का चार्ट खुलना है 10 मिनट्स का आपके मोबाइल में या फिर किसी भी अदर डिवाइस में, और वहाँ पर आपको दो ब्लू लाइन और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देनी है विथ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट।
का जो ड्राइंग मैंने किया है उस टाइप का। और आप रेडी रहिए कल लाइव मार्केट में, आपको चीज़ें जो है वो अपने आप समझ में आने लगेंगी। सीधे बढ़ेंगे हम इनके इंट्राडे सेटअप की ओर, देखेंगे कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे कल के ट्रेडिंग सेटअप के लिए खास। साथ ही बताना चाहूंगा गाइस, जो कॉन्ट्रैक्ट्स आपके सामने रखे जाते हैं वो ऑप्शन ग्रीक एंड ओपन इंटरेस्ट एनालाइज करके आपके सामने रखे जाते हैं, ताकि वहां पे मूवमेंट जो है वो बहुत अच्छी देखने को मिले। चलिए गाइस देख लेते हैं उन सेटअप को भी। तो जैसा गाइस आप देख पा रहे हैं 18th अगस्त एक्सपायरी की चर्चा हो रही है, क्योंकि 19th अगस्त थर्सडे को हमें यहाँ पे हॉलीडे देखने को मिल रहा है मोहर्रम का, तो आपका एक्सपायरी जो है वो वेडनेसडे को हो जाएगा। तो इस वीक का एक्सपायरी जो है वो वेडनेसडे को हो जाएगा, यानी कि 18th ऑफ अगस्त। पहला कॉन्ट्रैक्ट हमने यहाँ पे लिया है 16,600 CE, जिसकी करंट मार्केट प्राइस हमें देखने को मिल रही है 42 rupees। 100% यानी कि +42 का हमने टारगेट रखा है, और 50% यानी कि -21 का स्टॉप लॉस रखा है। 2:1 रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो कॉन्सेप्ट के साथ जो है आपको चलना है। साथ ही बात की जाए अगर PE कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रेंड बेस चेंज होता है जैसा कि आपको बताया हमने चार्ट पे, अगर उस तरह से ट्रेंड बेस चेंज होता है और PE पे अपना फोकस बन जाता है, यानी कि गैप अप खुल जाता है निफ्टी 50 और तुरंत हम PE पे फोकस करना चाहे, तो हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट रेडी रहेगा 16,400 PE का, जिसकी करंट मार्केट प्राइस भी 45 के आसपास देखने को मिल रही है। 30 rupees का टारगेट रखना है, 30 का स्टॉप लॉस, और एज अ इंट्राडे चलना है। यहाँ पे होल्डिंग का कोई भी माइंडसेट आपको नहीं रखना है अगर आप PE के साथ काम करते हैं। तो गाइस यहाँ पे क्लियर होता है निफ्टी 50 के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। सीधे बढ़ेंगे हम बैंक निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स की ओर और देखेंगे कि वहां पे हमें क्या कुछ देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए बैंक निफ्टी के 18th अगस्त के कॉन्ट्रैक्ट्स की, यानी कि 18 अगस्त को एक्सपायरी होने वाले 36,200 CE पे हमारा फोकस पहला होना चाहिए, जिसकी करंट मार्केट प्राइस हमें देखने को मिल रही है 239 rupees। टारगेट की बात की जाए तो गाइस 100 rupees प्लस में और 100 rupees माइनस में, यानी कि 1:1 रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के साथ हमें जो है वो चलना है। उसी तरह PE पे अगर हमारा व्यू आता है, गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, या फिर हमारी जो ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक डाउन करके नीचे की ओर जाता है मार्केट, गाइस हमें यहां पे फोकस करना है PE पे 35,900 PE, जिसकी करंट मार्केट प्राइस हमें देखने को मिल रही है 400। जैसा कि आप देख पा रहे हो गाइस, यहाँ पे PE में हमें थोड़ी वैल्यू बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। ओपन इंटरेस्ट के थ्रू यहाँ पे प्राइस चेंजेस होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया ऑप्शन ग्रीक्स जो होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं, वो डिमांड एंड सप्लाई के साथ साथ जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पे प्राइस में बड़े मूवमेंट्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो मेक श्योर कि अगर आप PE की साइड काम करें तो आप इंट्राडे में करें, सेम डे प्रॉफिट या लॉस जो भी हो लेकर निकल जाएं। गाइस 100 rupees का टारगेट, 100 का स्टॉप लॉस, अगेन 1:1 रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के साथ आपको चलना है। यहाँ पे क्लियर होते हैं दोनों इंडेक्स के व्यू, एंड उम्मीद करेंगे कल आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेड से गुजर पाएंगे। कोई भी डाउट या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप नए हैं हमारे इस चैनल पे इसे सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। चलिए गाइस मिलते हैं एक साथ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। लव यू, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।